भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत 3 नवंबर से होने वाली है। और दोस्तों इस T20 सीरीज के लिए दोनों ही टीमों के स्क्वाड का चयन अब हो गया है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब यह दोनों टीमें इस T20 सीरीज में आपस में भिड़ने वाली है तो कौन सी टीम के पास इस सीरीज में जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस पूरे कंपैरिजन को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम सबसे पहले T20 के लिए दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर का कंपैरिजन करें तो दोस्तों सबसे पहले बांग्लादेश की टीम के लिए टॉप ऑर्डर में उतरने वाले हैं तमीम इकबाल, सौम्य सरकार और साथ ही साथ शाकिब अल हसन। और वहीं दोस्तों भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के लिए टॉप ऑर्डर में उतरने वाले हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन और साथ ही साथ नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर। तो दोस्तों यहां पर दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को देखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि भारतीय टीम के पास जिस तरह के टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज मौजूद है दोस्तों उसके मुकाबले के भी बांग्लादेश के पास बल्लेबाज नहीं है। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर पर बुरी तरह से हावी पड़ने वाला है। और दोस्तों इसी वजह से टॉप ऑर्डर के मामले में यहां पर भारतीय टीम को मिलते हैं 100 में से 60 पॉइंट्स और बांग्लादेश की टीम को बचे 100 में से 40 पॉइंट्स। तो दोस्तों अब अगर दोनों टीमों के मिडल ऑर्डर को कंपैरिजन करें तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम के लिए मिडल ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 4 पर मुशफिकुर रहीम, नंबर 5 पर महमदुल्ला, नंबर 6 पर लिटन दास और नंबर 7 पर मोसैदिक हुसैन। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के लिए मिडल ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 4 पर ऋषभ पंत, नंबर 5 पर संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, नंबर 6 पर उतरने वाले हैं शिवम दुबे और नंबर 7 पर कृणाल पांड्या। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही टीमों का मिडल ऑर्डर में इस वक्त युवा खिलाड़ी मौजूद है। जो मिडल ऑर्डर में होने वाला है उसमें कांटे की टक्कर होने वाली है। परंतु दोस्तों जो आईपीएल और T20 में भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर का रिकॉर्ड है उसके आधा भी रिकॉर्ड बांग्लादेश के बल्लेबाजों का नहीं है। तो दोस्तों इसी वजह से मिडल ऑर्डर के मामले में भी यहां पर भारतीय टीम को मिलते हैं 100 में से 60 पॉइंट्स और बांग्लादेश की टीम को बचे 100 में से 40 पॉइंट्स। तो दोस्तों अब अगर अंत में लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों बांग्लादेश के लिए लोअर ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 8 पर मुस्तफिजुर रहमान, नंबर 9 पर शैफुल इस्लाम, नंबर 10 पर अल अमीन हुसैन और नंबर 11 पर अरफत सन्नी। और दोस्तों अब वहीं भारतीय टीम के लिए लोअर ऑर्डर में उतरने वाले हैं नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर दीपक चहर, नंबर 10 पर खलील अहमद और नंबर 11 पर यूजी चहल। तो दोस्तों यहां पर भी जो भारतीय टीम की गेंदबाजी होने वाली है उनका T20 में रिकॉर्ड दोस्तों सभी गेंदबाजों का एक से बढ़कर एक है। बांग्लादेश के दोस्तों 3-4 ये जो गेंदबाज है मुस्तफिजुर रहमान को छोड़कर बाकी शायद दोस्तों आप में से किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। कुछ ज्यादा बढ़िया रिकॉर्ड इन गेंदबाजों का नहीं है। भारतीय टीम की गेंदबाजी दोस्तों बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा हावी पड़ने वाली है और इसी वजह से लोअर ऑर्डर के मामले में मिलते हैं भारतीय टीम को 100 में से 70 पॉइंट्स और बांग्लादेश की टीम को बचे 100 में से 30 पॉइंट्स। तो दोस्तों इस ओवरऑल कंपैरिजन के बाद यही पता चलता है कि जब यह दोनों टीमें मैदान पर आपस में भिड़ने वाली है तो हमें एक बड़ी मजेदार सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इस सीरीज में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो थोड़ा बहुत लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।